नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ अगले टॉपिक्स पे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी से पानी प्राप्त करती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है। तो वो नदी है आपकी सतलज। सतलज नदी है जिससे इंदिरा गांधी नहर अपना पानी प्राप्त करती है। चलिए आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर की। इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नहर है। पहली बात, भारत की सबसे बड़ी नहर, बड़ी नहर या सबसे बड़ी नहर परियोजना, ठीक है, पहला टॉपिक, वो पहला फैक्ट, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं कि मैंने इसमें क्वेश्चन में दो नाम लिए, एक तो राजस्थान नहर और दूसरा इंदिरा गांधी नहर। ये क्या है, ठीक है, तो दोनों का बात एक ही है, इंदिरा गांधी नहर कह लो या राजस्थान नहर कह लो, लेकिन जो पहले जब नहर का निर्माण हुआ था उस समय पे इसका नाम था राजस्थान नहर, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी पूर्व प्रधान, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर डाल दिया गया, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि नहर की लंबाई कितनी है। लंबाई, नहर की लंबाई कितनी है, वो है आपकी 649 किलोमीटर। कितनी? 649 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है वो किस किस राज्य से होकर बहती है या किस किस राज्य को इसके पानी की सुविधा मिलती है। तो सबसे पहला राज्य है हमारा पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा राज्य है राजस्थान, ठीक है, तीसरा राज्य है राजस्थान, ठीक है। अगर आप राजस्थान और हरियाणा के फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे आपको इनका लिंक मिल जाएगा और आप इन दोनों स्टेट का फैक्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि आगे क्या है। आगे बात करते हैं हम कुछ सतलज नदी के बारे में। किसके बारे में? सतलज नदी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है सतलज नदी का कि ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, पहला फैक्ट। आगे बात करते हैं कि इसे किस नाम से और जाना जाता है, ठीक है, तो इसे सतुद्री और कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतुद्री नदी। ये उस समय का नाम है जब हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे, या एक चीज कह सकते हैं कि जो वैदिक एज है हमारी, वेदों वाली, उस समय पे इसे सतुद्री बोला जाता था। आज की डेट में इसे सतलज नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो नदी है सतलज किस किस देश से होकर बहती है। तो सबसे पहला देश है चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में
मिल जाती है। ठीक है, चलिए। तो पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है, पहला ये पॉइंट हो गया। लेकिन अब ये निकलती कहाँ से है या उद्गम कहाँ है इसका, उसकी बात करते हैं। उद्गम अगर हम बात करें सतलज नदी के उद्गम की, तो वो है आपका तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से, और तिब्बत के राक्षस ताल से। कहाँ से? राक्षस ताल से, तिब्बत से। ठीक है, अब बात करते हैं सतलज नदी की लंबाई कितनी है। लंबाई की बात करें तो लंबाई है आपकी 1500 किलोमीटर। कितनी? 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं परियोजनाओं की। परियोजनाएं, कौन कौन सी परियोजनाएं सतलज नदी पर बनी हुई है? तो मुख्य तीन परियोजनाएं हैं जो सतलज नदी पर बनी हुई है। उसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट भांगड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, भांगड़ा नांगल परियोजना। दूसरी है आपकी करचाम बाघू जल विद्युत परियोजना। ठीक है, करचाम बाघू जल विद्युत परियोजना। तीसरी की बात करें, थर्ड है आपकी नाथपा झाकरी परियोजना। ठीक है, ये तीन परियोजनाएं आप सतलज नदी की याद रखेंगे। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट खत्म होते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? क्या क्वेश्चन है? रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है आपकी त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा राज्य में रुद्र सागर झील स्थित है। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ी सी रुद्र सागर झील के बारे में। रुद्र सागर झील के बारे में, ये झील के रिलेटेड कुछ और फैक्ट। ठीक है, इसका दूसरा नाम एक और है, क्या नाम है? रूडी जिल्ला। इस रुद्र सागर झील को रूडी जिल्ला नाम से और जाना जाता है। ठीक है, एक और चीज याद रखेंगे, नेहर महल या उसी को कहते हैं वाटर पैलेस, ये इस झील के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये वहां के स्थानीय राजा ने बनवाया था। ठीक है, तो ये उस नदी के झील के किनारे स्थित है। ठीक है, और जो ये रुद्र सागर झील है, एक बहुत अच्छा पर्यटन प्लेस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में कुछ, क्योंकि फैक्ट इसमें त्रिपुरा का भी आया। ठीक है, तो बात करते हैं त्रिपुरा की। तो सबसे पहले कैपिटल, राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी अगरतला। क्या है? कैपिटल अगरतला। ठीक है, कैपिटल की बात हो गई, अब बात करते हैं फॉर्मेशन। त्रिपुरा राज्य कब बना? तो ये बात है आपकी 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट, जिलों की संख्या। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं त्रिपुरा राज्य में? वो हैं आपके 8। ठीक है, अब बात करते हैं लोकसभा सीट्स कितनी है त्रिपुरा में? लोकसभा सीट कितनी है? 2।
और बात करें राज्यसभा सीट की, राज्यसभा सीट्स कितनी है, वो है आपकी केवल एक सिंगल। ठीक है, अब आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज पे। त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो वो मुख्य रूप से दो हैं, सबसे पहले बंगाली और दूसरी फिर इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पे हमारा त्रिपुरा और रुद्रसागर झील से संबंधित कुछ फैक्ट्स खत्म होते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो आज यहां पर हमारे आज के फैक्ट खत्म होते हैं और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।